बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, कैसी है मेरी पूरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की पूरी फैमिली? तो जहाँ रहें खुश रहें, मैं चाहती हूँ आप लोग और सदा फूलें फलें शादो आबाद रहें। अच्छा, मैं आज आपको अपना जहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन का रूम बनाया हुआ वो दिखा रही हूँ। ये केन वुड की वॉशिंग मशीन आ गई, ठीक है जी। ये मैंने अभी ऐसे ही सेटल कर दिया, यहाँ पे रख दिया, हो सकता है आपको यहाँ रखी हुई नज़र आती रहे। अभी मेरा इरादा फुली तौर पे यही बना है कि यहीं पर वॉशिंग मशीन रहेगी केन वुड की, ठीक है जी। क्योंकि ये मेरे काम की वॉशिंग मशीन है, ठीक है जी। वो तो एक जगह मैंने घसेड़ के रख दी है, और डॉलेंस की वॉशिंग मशीन इंशाल्लाह कुरानदाजियाँ होंगी तो चलेंगी वो। अच्छा, ये मैं आ गई हूँ, उसको निकाल लिया, अली ने इजाज़त दे दी है माशाल्लाह से, तो ज़रा इसको चेक वेक करूँगी कैसी है वॉशिंग मशीन। ये मुझे पूरे, अब बताती हूँ कितने की पड़ी थी। मैंने पहले जब ऐलान कर देती हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिलती, अब मैं ऐलान करने जा रही हूँ इसका। ये मुझे 1,02,000 रुपए की मिली है, ठीक है जी। 1,02,000 रुपए की ये मुझे मिली है, और मेरी माशाल्लाह इनकम भी आ गई है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी अभी, ठीक है जी। LVS है ये, और 270 इसका मॉडल है, बाकी आप देख लीजिएगा। और ये वही बाथरूम है जिसमें हयात फातिमा वॉशिंग करती हैं, ठीक है जी। कल पूरा माशाल्लाह वॉशरूम भी धोना है, मैंने सब कुछ करना है ये पूरा, और इसके बाद इसको अंदर से आप देख लीजिए, अच्छी चीज़ है, प्यारी चीज़ है। अब अली ने भी कह दिया मेरे और आपके कपड़े एक साथ धुलेंगे, अली ने आज मुझसे ये कह दिया, आप मेरे और अपने कपड़े एक साथ भी धो सकती हैं। मुझे आज इतनी खुशी हुई। अली ने कहा बार बार वॉशिंग मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे शोल्डर उतर गया था, अलमारी जब से खिसकाई मेरा शोल्डर उतर गया, हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे शोल्डर में। तो अली ने नहीं कोई मसला नहीं, तो मेरे और अपने कपड़े साथ धो लेना, कोई बात नहीं। अली कह रहे थे कभी कभार मैं भी वॉशिंग मशीन लगा लिया करूंगा, तुम आराम कर लेना, तुम खाना वाना पका लेना। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, अली का इतना सा कहना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो ख्याल तो है ना किसी को। वैसे तो मैं उनको धोने नहीं देती, वो मेरा शोल्डर भी हल्का सा प्रेस करते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बाखुदा मैं उनसे कभी कुछ नहीं काम लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने आज अली की ट्रीट भी दी थी, क्योंकि मेरी इनकम माशाल्लाह आ गई थी, तो खाना भी अली ने कहा था मुझे खिलाओ ना, तो मैंने अली को ट्रीट भी दी थी, वो भी आपको हो सका तो डाल दूंगी, इंशाल्लाह जरूर डालूंगी। अच्छा, ये मैंने पास्ता बना लिया था जब मैं इनकम लेकर आई थी, तो ये मैंने पास्ता बना लिया था माशाल्लाह माशाल्लाह से घर में, क्योंकि आप जानते हैं मैं ज़्यादातर घर में ही खाना पकाती हूँ। ये मैंने पास्ता बना दिया था, दुआ है अल्लाह ताला हम सब यूट्यूबर्स को कामयाब करे, शादो आबाद रखे, फूले पले हम लोगों को हर अच्छी और हर बुरी नज़रें बद से अल्लाह बचाए। क्योंकि जब हम लोग प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाते हैं तो हर अच्छी और बुरी भी नज़रें बद भी लगती है, तो अल्लाह करे हम यूट्यूबर्स को नज़रें बद से भी अल्लाह बचाए, हम लोग खूब शादो आबाद रहें, फूले पले आबाद हों हम लोग, अल्लाह करे। बस यही दुआ है हमारी, क्योंकि हम लोग हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करते हैं। हमें नहीं पता हमारी YouTube फैमिली में कौन सी आंख हमें बदनिगाह से देख रही है, लेकिन हम अपने अच्छे सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी हर चीज़ शेयर कर देते हैं। हमें नहीं पता, बस अल्लाह हमें बदनजरी से बचाए, हमें जो है नज़रें बदों से बचाए, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम सारे यूट्यूबर्स बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक वीडियो में इतनी इतनी देर लगती है, 3-3 मिनट हम लोग उसमें लगा देते हैं, मतलब पूरी अपनी उसमें लगा देते हैं, ये जो हम लाइनें बोलते हैं उसमें लगाते हैं, और हम 3-3 घंटे एडिटिंग में लगा देते हैं, बहुत काम करते हैं हम लोग यूट्यूबर, हमारी मेहनत है, ये हमारी मेहनत होती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। हम सब यूट्यूबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को मैं दुआ देती हूँ हम सब यूट्यूबर्स सलामत रहें, आबाद रहें, उसी तरह लगन से मेहनत से काम भी करते रहें। और जो यूट्यूबर्स अभी बने नहीं हैं, अल्लाह करे उनका चैनल भी बहुत जल्दी बन जाए, वो लोग शादो आबाद हों, उन लोगों के चैनल पर जल्दी इनकम उतरे अल्लाह करे, और वो लोग भी खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लाएँ। अच्छा, यहाँ मैं ये मशीन मैंने निकाल ली है, ये 17,000 की हो गई है, ठीक है। आज के रेट के तारीख के मैं इसको वो बता रही हूँ, आपको प्राइस बता रही हूँ कि आज तक की तारीख के इसके प्राइस हैं, ठीक है जी। ये मैंने सब आपको बताया, मैं अप टू डेट प्राइस भी बता देती हूँ आपको। ये अब 17,000 की मिल रही है, ठीक है जी, मैंने आपको बताना था बता दिया। अब मैंने ये निकाल लिया, लेकिन इसका प्लास्टिक जार बड़ा ही कमज़ोर, बिल्कुल कोमल सा है, नाजुक सा है जिसको कहते हैं। बाकी काली वाली मेरी मशीन भी बन के आ गई है माशाल्लाह से। बहरहाल आज मैंने इसमें टमाटर पीस लिए थे और लहसुन अदरक भी पीस कर रखा, क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, तो ईद की भी शॉपिंग माशाल्लाह माशाल्लाह करनी है, तो मैंने कहा सब अल्लाह करे ईद की शॉपिंग भी शादो आबाद तरीके से हो, हम यूट्यूबर्स हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें, और जो हमारी फैमिली यूट्यूब्स की बन गई है, वो जो लोग अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, हम लोगों को मोहब्बत देते हैं, हम लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स चलाते हैं, हम लोगों से दिली मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनकी भी दिली मुरादें पूरी करे, हाजात पूरी करे सारी। अच्छा, और ये माशाल्लाह अल्लाह ने मेरे हाथों में पैसे दिए माशाल्लाह, मेरी इनकम आई माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। तो ये मैं अपनी इनकम से पहली दफ़ा खेल ली थी, कितनी खुशी होती है जब पहली दफ़ा आपके हाथ में इनकम आती है यूट्यूब की। तो मेरी यही दुआ है अल्लाह करे जिनके चैनल नहीं बने उनके चैनल बन जाएं, और खूब इसी तरह पैसों से खेलें, अल्लाह करे शादो आबाद रहें, खूब खुशोखुर्रम रहें, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत थक गई थी, तो स्टिफ्स का ये मैंने मुंह धोया, फेस वॉश किया अपना, फिर स्टिफ का ये मैंने लगाया फेस पर और हाथों पर,
और मैं यही लगाती हूँ तो थकन उतर जाती है, थोड़ा डस्ट वट भी हाथों की और ये मुंह की जो होती है वो उतर जाती है, फ्रेशनेस सी आ जाती है। तो ठीक है जी, ये काम किया मैंने, उसके बाद ये हाथों पे लगाया, उसके बाद मुंह धोया और फिर सोने लेट गए। तो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।